पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर कांग्रेस का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। सिरसा के सुभाष चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और बढ़े हुए पानी के रेटों पर अपना विरोध जताया और पानी के बिलों की प्रतियों को आग के हवाले किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक सरकार पानी के बढ़ हुए रेट वापस नहीं लेती तब तक उनका ये विरोध जारी रहेगा। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा बिलों की होली जलाई गई है, क्योंकि जब चुनाव हुए तो मोदी और खट्टर सरकार ने लोगों से बहुत वायदे किए थे और चुनाव के बाद पहला जनता को जो तोहफा दिया वो पानी के बिलों की भारी मात्रा में गजों के हिसाब से लगाकर जो आम जनता गरीबों पे बड़ा अत्याचार किया है और जो है करनी कुछ है कथनी कुछ है इनकी। और कांग्रेस का जब राज था कांग्रेस ने पीले कार्ड वालों को टूटी टंकी पानी बिजली का मीटर फ्री दिए थे, कोई पैसा नहीं लिया था। और जब तक कांग्रेस का राज रहा पीले कार्ड वालों का पानी का बिल नहीं आया और आज ये सरकार बनते ही जनता को एक तोहफा दिया है गरीबों पर अत्याचार करने का, जो कि गजों के हिसाब से पानी का बिल जो है बना रहे हैं। आज मैंने अभी पेपर में पढ़ा 3400 कुछ रुपये 56 रुपये 6 महीने के, और कहाँ 360 रुपये 6 महीने के आते थे। इससे बड़ा और गरीबों पर अत्याचार क्या होगा। और सीवर का कनेक्शन लेने का उसका भी अगर आज कनेक्शन लोगे 10,000 रुपये हैं। इस तरह ये बिजली के कट बार बार में लग रहे हैं, 3-4 बार रात को लगते हैं, 3-4 बार सुबह लगती है। जनता परेशान है, खट्टर सो रहा है और जनता रो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कल जो है उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया था, आज अपना रोष जो प्रकट किया है बिलों की होली जला के किया है। और कांग्रेस पार्टी जब तक ये बिलों के बढ़े हुए रेट वापस नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी संघर्ष जारी रखेगी।